नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। ये बातें कर्षण वाणी में भी बताई गई है। ये बातें 100% सच है, लेकिन ये बातें आपको कड़वी जरूर लगेंगी। ये बातें क्या है, इनके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों और कृष्ण वाणी में औरतों के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि कहा गया है कि औरतों की ये बातें बहुत कड़वी है, लेकिन ये बातें आज के समय में सही साबित हो रही है। ये बातें क्या है, आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि स्त्री के अंदर जो लालच की भूख होती है, जी हां दोस्तों, स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं, और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े, या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े, या किसी को उन्हें अपना बनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी में फंसा लेती हैं। दोस्तों, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा है कि औरत बहुत ज्यादा लालची होती है। दोस्तों, ये बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ये बात 100% सच है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने भी जिक्र किया है कि औरत अपनी बात से तुरंत पलट जाती है। स्त्रियां अपने बात से सिंगर पलट जाती हैं, यह उनमें एक अद्भुत गुण होता है। ऐसे में स्त्रियां कभी भी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार कर भरोसा करना चाहिए। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ये बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, अब के टाइम में कोर्ट कचहरी है, पहले के टाइम में जो कोर्ट कचहरी राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि औरत पर आप जब भी भरोसा करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि इसमें पलटने वाला गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि औरत राज की बात उजागर कर देती है। स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता, भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो अपना भांडा कभी ना कभी फोड़ जरूर देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दोस्तों, कृष्ण वाणी में कहा गया है कि औरत बहकावे में आ जाती है। स्त्री बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाती है, और किसी में जो जाल फैला दिया है उस जाल में आसानी से फंस जाती है, फिर चाहे वो मर्द औरत से कितना भी प्यार क्यों ना करता हो। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आ जाती हैं तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, औरत एक ऐसी चीज है जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि ये एक देवीय स्वरूप है। लेकिन हम सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रहे कि सारी स्त्रियां एक जैसी होती है,
कुछ अपवाद स्त्रियां होती है जिनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको शक हो गया कि इस औरत की प्रवृत्ति ऐसी है तो आपको उसके ऊपर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो ये आपके बर्बादी का कारण भी बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि औरत देव या स्वरूप है, वह पूजनीय है, लेकिन सभी औरत पूजनीय हो यह सत्य नहीं है। तो आप औरतों के ऊपर सोच समझकर भरोसा करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और हमारे चैनल टोटल ज्ञान को आप जरूर सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके।